नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन पांचाल है। नवीन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली कृष्ण विहार का रहने वाला हूँ। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर 30 अप्रैल 2011। नवीन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आशुतोष जी महाराज के शिष्य थे। सर आशुतोष जी महाराज से हम 2 साल तक लगभग जुड़े रहे। उससे पहले जी हम राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी जाते थे और राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ भी पिताजी जैसे लेके जाते थे, 2-2.5 साल से वहाँ पे भी जा रहे थे। और बाकी हिंदू धर्म में जो प्रचलित देवी देवताओं की पूजा है वो सब करते थे। सर आपने बताया कि आप आशुतोष जी महाराज के साथ 2 साल से जुड़े रहे, फिर आप राजेंद्र सिंह जी से जुड़े, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? पापा जी बहुत बीड़ी पीते थे। आशुतोष जी महाराज के यहाँ पे थे, राजेंद्र सिंह जी महाराज जी के यहाँ थे, उनकी बीड़ी नहीं छूटी जी, खूब बीड़ी पीते थे जी वो। तो जी हमारे पड़ोस में एक माई है सुनीता माई ने उन्हें बताया पापा को कि जी आप सत्संग सुनो और वहाँ पे सबसे पहला नियम यही है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, बीड़ी नहीं पीनी है। और पापा की बीड़ी ऐसी थी कि जी बीड़ी से बीड़ी लगाते थे वो, बीड़ी ख़त्म हुई बीड़ी लगाई, मतलब कि 2 बंडल थे उनके जी रोज के। तो पापा जी गए जी दौलतपुर रोड हमारा बरवाला आश्रम है, वहाँ पे गुरुजी से नाम ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके घर पे आ गए। तो गुरुजियों के जो आदेश थे नियम थे ये अनुपासना वगैरह नहीं करनी, तो पापा ने कोई पितृपूजा नहीं करी, तो मम्मी ने काफ़ी विरोध कर दिया जी घर में, कलेश कर दिया मतलब बुरा कि आपने इतने गुरु बनाए, उन्होंने काफ़ी गुरु बनाए हैं आशुतोष जी महाराज और ये अपने राजेंद्र सिंह जी, तो आज तक तो आपने नहीं छोड़ा भी है, तुमने क्या नए गुरु बना लिए जिन्होंने पूजा भी छुड़वा दी है। पापा कहने लगे भाई कुछ भी कर, मैंने नाम ले लिया, मैंने गुरु जी बना लिए हैं, मैं नियमों पर रहूँगा। तो जी मम्मी ने काफ़ी कलेश करा, फिर मम्मी ने ये बात कह दी कि आपने तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, तो कहीं इस संत रामपाल जी महाराज से किसी बच्चों को नहीं लगाओगे? पापा कहने लगे चल ठीक है। तो जी पापा ने आज तक मेरे को कभी जगाया नहीं था सोते हुए को। एक दिन उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे आवाज़ लगाई कि भाई चल। मैंने पूछा कहाँ चलना है जी? कह आश्रम में चलते हैं। मैं कहा जी चलो। मैं घूमने के पर्पज़ से गया था सर कि घूम आऊँगा, जैसे पापा वहाँ का काफ़ी बखान करते थे भाई इतने बाथरूम है, खाना भंडारा अच्छी व्यवस्था, भाईचारा इतना प्रेम रहता है वहाँ पे, सब में आपस में बहुत प्यार है। तो मैं घूमने के पर्पज़ से चला गया जी। मैं गया वहाँ पे, सत्संग चल रहा था, सत्संग में जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद सत्संग समाप्त हुआ जी, हलवे का प्रसाद आ गया। हलवे का प्रसाद खाने के बाद भक्तों ने वहाँ नियम बता दिए कि भाई ये नियम है यहाँ पे मानने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने नियम बताए तो जी मैंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एक भगत थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे समझाया, तो मैं उनके साथ चल दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने गया था, तो मेरे मन में ये था कि मैं नाम लेके आऊँगा और जाते ही छोड़ दूंगा, ये क्या मेरे पीछे पड़े रहेंगे या मेरे साथ साथ रहेंगे, ठीक है जी। तो मेरे यहाँ पे एक धागा बंध रहा था जी, मेरे नाप इतनी ज़्यादा होती थी, हल्की सी मैं दौड़ मार लेता या वेट उठा लेता तो मेरी नाभी गिर जाती थी, नाभी इतनी गिर जाती थी, हमने वैद्यों से डॉक्टरों से और ये पैरों में बांधते हैं सबसे इलाज करवा लेता, वो ठीक नहीं हुई थी। तो जी मैंने तोड़ के वो लगा दिया, मैं कहा चल नाम ले ही रहे हैं तो नाम ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो जी मेरे साथ तो भगवान ने पहले दिन से चमत्कार किया कि पहले दिन से और आज 2019 चल रहा है ये, आज तक मेरी वो नाभ ही नहीं गिरी है। नाप डिग जाना होता है ना, नाप डिग जाती है, जो कुछ खाया नहीं जाता वो नाप डिग जाती थी जी मेरी, आज तक मेरे साथ वो दिक्कत नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं नाम छोड़ूंगा जाते के साथ ही। अब जी मैं आया बाहर तो होता है, जैसे पहले भी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो सेवा वगैरह करते थे, तो उस दिन मुझे वहाँ वेट की थोड़ा सा ना आटे वगैरह की कट्टे वगैरह की सेवा कर रहे थे कहीं भगत, मेरे को किसी ने नहीं बोला, मैं अपने आप ही सेवा में लग गया। तो जी मैं सेवा में तो लग गया, मैंने सेवा भी कर रहा हूँ, काफ़ी 50-50 किलो के वेट के कट्टे थे वो, उठा के इधर ले जा रहे थे ट्रक में से उठा के। फिर मेरे को बाद में याद आया, मैं कहा यार तेरी तो 10 किलो वजन उठाने से नाभि गिर जाती थी, नाभ डिग जाती थी, और तेरे साथ ये खेल क्या हुआ है? तो जी मुझे विश्वास हो गया, मैं ये परमात्मा है, ये कुछ ना कुछ तो शक्ति है, कुछ दिन चल के देखते हैं। तो जी भक्ति में दृढ़ होते गए धीरे धीरे, आगे और भी भगवान ने लाभ किए। इस प्रकार जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद जी काफ़ी लाभ हुए हमें। पहले हमें हमारा बहुत बुरा हाल था, आर्थिक तंगी भी थी, काफ़ी कमज़ोर थी, और जी पापा का नशा, बीड़ी पीते थे खूब, चाहे हमारे चाहे बने ना बने उन्हें बीड़ी चाहिए, 2 बंडल सुबह मंगा लेते थे। मम्मी भी काफ़ी बीमार रहती थी, बीमारी काफ़ी थी हमारे घर में, हल्का सा मैं इधर उधर खेल कूद भी कर लिया या वेट उठा लिया मेरी काफ़ी नाभ डिग जाती थी, नाभि गिर जाती थी, और उसका इतना इलाज कराते थे जी, हम बहुत ज़्यादा इलाज कराते थे, उसका बिल्कुल भी हल नहीं निकलता था।
काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी। उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही हमें, मेरे को तो जी पहला लाभ पहले दिन से ही हो गया था। उसके बाद जी पिताजी की बीड़ी भी छूट गई। सबसे बड़ा लाभ तो हमारे अगड़ पड़ोस भी और वैसे भी सभी भाई बंध भी ये मानते कि ये 8 साल के थे जब से बीड़ी पीने लगे थे पिताजी मेरे, और अब उनकी 55 साल की उम्र हो रही है, अब तक बीड़ी पीते थे वो। अब इतने गुरु बना लिए, इतने नियम उन्होंने रख लिए, दवाई खा ली, किसी से भी बीड़ी नहीं छूटी उनकी। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते के साथ ही उन्होंने पहले दिन से बीड़ी रख दी थी और उनकी बीड़ी छूट गई। उसके बाद जी लाभ आपने पूछे, लाभ काफ़ी हुए जी मुझे। एक बार की बात है, मेरी मम्मी के बच्चादानी में रसोली होगी, डॉक्टर है हमारे यहाँ पर रजनी गुप्ता, महंगी डॉक्टर है जी, तो मम्मी उससे पहले इलाज करा रही थी। एक दिन उसने क्या कहा मम्मी से कि भाई अपने घर से किसी को लेके आओ, तो मम्मी मुझे लेके चली गई। तो मैं गया वहाँ पे, उसने मेरे को जाते ही बहुत ज़्यादा डांट मारी कि भाई इलाज नहीं करा सकते तुम ऐसे ऐसे, और 1 लाख रुपये लगेगा और 3 खून की बोतल लगेंगी, कल लेके आ जाना अगर अपनी मम्मी को बचाना है, 1 हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा इनका काम, मर जाएंगी ये अगर ऑपरेशन नहीं कराया। मैं घर आया जी, घर आते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करवाई जी। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ से आदेश आए कि भाई आप आज मत जाओ, कल जाना जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आ जाए किस अनुसार आपको चलना है। तो जी अगले दिन 12 बजे आदेश आना था, अगले दिन 12 बजे मैंने फ़ोन किया, संत रामपाल जी महाराज का उधर से आदेश आया कि जी परमात्मा बहुत दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और हमने दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करते ही वो रोग आज छूमंतर हो गया जी, उस बातों को 7 साल हो गए, बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद सर जी मेरे पेट में इतना इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहने लगा, कुछ खाया नहीं जाता। 21 दिन तक जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, हमारे यहाँ चौहान हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं एडमिट रहा। तो एडमिट होए होए मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने प्रेरणा करी कि भी नाम शुद्ध कराया जाए। तो जी मैं डॉक्टर को कह के निकला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो जी मैं घर नहीं गया, सीधा हमारे यहाँ मुंडका आश्रम है वहाँ पर पहुँचा मैं। जाते ही मैंने वहाँ पर सिचुएशन बताई जी, ऐसे ऐसे बात है मेरे साथ, ये घटना घटी है और दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो जी मैं नाम शुद्ध करा गया, शुद्ध कराने के आने के बाद सर दवाई मेरे जो रखी थी ना मैंने फेंक दी कि संत रामपाल जी महाराज जब कैंसर तक सही कर रहे हैं तो मेरे पेट का दर्द क्यों नहीं सही करेंगे। और वो दिन है आज का दिन है, बिल्कुल सही हूँ मैं। उसके बाद जी हमारे ना ऊपर किराएदार रहते हैं, उन्होंने लैटरिन के अंदर जी कुछ फंसा दिया कपड़ा वगैरह, और हम 1 हफ्ते से परेशान थे कि वो लैटरिन सही हो जाए। उसके लिए हमने 3-4 कारीगरों को, सफाई करने वालों को बुला लिया, उन्होंने कह दिया ये नहीं सही होएगी, ये अब ये पूरी फटेगी, पूरी फाड़ेंगे इसे, पूरी तोड़ेंगे। तो जी मैं लैटरिन के बाहर ही बैठा हुआ था जी, तो मैंने प्रार्थना कर ली जी, ये देखो आप चमत्कार संत रामपाल जी महाराज का, कि वो प्रार्थना करते के साथ ही मैंने प्रार्थना करी है जी, और उधर से वो पानी सारा नीचे खरड़ खरड़ हो गया, जैसे किसी ने इसमें डंडा बांस जैसे नया पाइप लगा दिया हो, ये चमत्कार हुआ जी मेरे साथ। उसके बाद जी मेरी गुड़िया है, छोटी गुड़िया है 8 महीने की, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बज गए थे जी, वो रोते रोते उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था, पता नहीं उसके क्या था क्या नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया उस दिन हम ले जाके, उन्होंने भी दवाई वगैरह दी, उसके कोई आराम ही नहीं हुआ, रोती रही शाम तक रोती रही। मेरे पापा जी दूसरे कमरे में लेटे थे, उन्होंने वहाँ लेटे लेटे आवाज़ लगा रहे हैं कि एक बार भाई प्रार्थना कर लो। तो जी मैंने और मेरी वाइफ ने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करी भगवान संत रामपाल जी महाराज दया करें। आप विश्वास करना जी, गुड़िया के पास एक चप्पल पड़ी थी, वो जहाँ रोने लग रही थी उसके पास चप्पल पड़ी थी, उसने चप्पल उठा के तुरंत मुँह में डाल ली और खेलने लगी, फटाफट ऐसे खेलने लगी बहुत। फिर उसने दूध भी पिया और पूरी रात आराम से सोई। और एक लाभ मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरी बहन है उसकी शादी को जी 5 साल हो गए थे, 5 साल में उसकी सास ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया था कि ये बांझ है, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था जी। और इतने डॉक्टरों को हमने दिखा लिया था जी, पूरे डॉक्टर कहीं छोड़े ही नहीं थे, हर जगह इलाज करा लिया था, उन्होंने सब ने कह दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो हमारे साथ जब ऐसी अनहोनी की भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, तो हमने उसके आगे भी जिक्र करा कि बहन ऐसे ऐसे नाम लो आप और प्रार्थना करो, आपको भी भगवान दया करेंगे। तो आप यकीन मानना जी, नाम लेने के 10 महीने 15 दिन में उसके एक पुत्र हुआ है जी, और उस पुत्र का नाम संत रामपाल जी महाराज ने साहिल दास रखा है। संत रामपाल जी महाराज की दी हुई आत्मा है जी, अपने कोटे से दी उन्होंने आत्मा, नहीं तो उस बहन के कभी होना ही नहीं था। उन्हें मैं कहूँ जी आपको 25 डॉक्टरों ने उसे नील बता दिया था कि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। यहाँ एक विचारणीय विषय है, आपने बताया कि पहले आपके पिताजी आशुतोष जी महाराज के पास गए और राजेंद्र सिंह जी महाराज के पास गए, आप लोगों ने बहुत सारे गुरु बनाए, ना तो आपके पापा का नशा छूटा और ना आपकी दिक्कतें दूर हुई, फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो गई। और आपने बताया कि आपकी बहन के 5 साल से संतान नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको संतान हुई, तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? पहले आप चारों दिशाओं में घूमते हैं, सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं और गुरु भी बनाते हैं, आप वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और संत रामपाल जी महाराज से ठीक हो जाते हैं, ये क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण है जी सतभक्ति का, कि जो हम पहले भक्ति कर रहे थे जी वो अनुपासना कर रहे थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो मंत्र दिए हैं वो सारे हमारे वेदों से हमारे ग्रंथ से मैच खाते हैं जी। जो सतभक्ति आप करोगे तो लाभ मिलेगा, सतभक्ति नहीं करोगे उसके अपोजिट चलोगे तो लाभ नहीं मिलना। तो ये सारा खेल जी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भक्ति बताई है, नियम बताए हैं, मर्यादा बताई हैं और वेदों में प्रमाणित है जो भक्ति, उस भक्ति के कारण ये सारा लाभ मिल रहा है जी। सर यहाँ पे एक और विचारणीय विषय है कि लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की और ब्रह्मा विष्णु महेश की इस तरह की पूजाएं छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है जी। संत रामपाल जी महाराज तो खुद कहते हैं कि जी वो यहाँ के प्रधान है। संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि भक्ति बताते हैं कि इस तरीके से भक्ति करो, इस तरीके से आपको लाभ देंगे। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जो भक्तजन आज मेरे को सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, रोज सत्संग आता है साधना चैनल पे 7:40 से 8:40, आप प्रतिदिन एक सत्संग सुनना शुरू करें, उसके नीचे हेडलाइन चलती है, उससे आप बुक भी मंगा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान देखें, मैच करें अपने वेदों से, गीता जी से, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं साधना चैनल पे और भी विभिन्न चैनल पे, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जी, उस पे फ़ोन नंबर आते हैं, उस फ़ोन नंबर से आप फ़ोन करके संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। आपके आसपास के हर जिले में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान केंद्र खोले हुए हैं, फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।